दोस्तों आप सब कैसे हो। उम्मीद है ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं होंडा एक्टिवा का। जैसे कि देख सकते हो तो ये इंजन है इसका, ये टाइमिंग चेन किस तरह फिट किया जाता है इसके बारे में फुल जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत मैकेनिक भाई को डर होता है कि इसका टाइमिंग चेन किस तरह फिट किया जाता है, थोड़ा इधर से इसका मुश्किल होता है। आपको दिखाएंगे इस तरह कि आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान और प्यार से डल जाएगा टाइम के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसे करके हम डालेंगे और जो दोस्तों ये टाइम चेंज करने का वजह है कि इसमें साउंड आ रहा था बहुत ज़्यादा, और आपको टाइम चेंज करने के लिए उसको फाइनली इस तरह का खोल लेना है। करना करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और देखना ध्यान से टाइम गेम इसको किस तरह फिट होता है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना भूले, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड सबसे पहले जानकारी पाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये नया टाइम चेन है और जो है इसमें हमने एक वायर फंसाया है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये टाइमिंग चेन जो है दोस्तों बहुत सभी गाड़ी में इधर से डालता है तो इधर ही आके फिट हो जाता है, पर इसमें दोस्तों ये गैप कम होने की वजह से फिर नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इधर से डालना है क्रैंक की साइड से, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं इधर से होते हुए इधर को डालना है, तो इसकी मदद से हम जो टाइम चेन को फिट करेंगे, खींचेंगे। आप देख सकते हैं ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों, ये वायर हमने पकड़ लिया। अब फाइनली आपको ऐसे करना है और हल्के हल्के हाथों से अंदर करके, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान और प्यार से चला जाएगा। ऐसे करके इधर से सही करना है और ऊपर से खींचना है, ठीक है दोस्तों। आप जैसे कि देख सकते हैं चला गया। उसके बाद हमें टाइम चेन को फंसा देना है इधर, क्रैंक में एक स्पॉकेट बनी होती है, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके इसमें हम फंसाएंगे, फंस रहा है, ठीक है दोस्तों। इसी ये फंस चुका है, आप देख सकते हैं। फिर इधर से अब वायर का काम नहीं है, हम इसको खोल लेते हैं। ये बहुत ही आसान है दोस्तों इसका टाइम चेंज करना। अब जो है दोस्तों हमें पिस्टन टाइम चेंज तो डाल चुका है, अब हमें टाइम मिलाना इसके। अब टाइमिंग मिलाने के लिए देख सकते हैं ये पिस्टन टॉप में होना चाहिए और ये जो प्लेट है दोस्तों ये इस तरह बैठेगा, आपको दिखा देता हूँ, इस तरह जाके बैठेगा। ये वाला इधर को नहीं और इधर चाहिए, पूरा सेंटर में होना चाहिए इधर को, ठीक है दोस्तों। और अब देख सकते हैं इसमें ये पॉइंट है, पहले से जो डाल रखा था सेम ऐसे ही आपको फिट करना है और टाइम मिलाना है। तो सबसे पहले टाइम मिलाने के लिए ये देख सकते हैं इधर से इसका मैगनेट है दोस्तों, टाइमिंग को मिलाने के लिए इधर से जो लाइनिंग का निशान है दोस्तों, मैग्नेट में टी लिखा हुआ रहता है ये वाला लाइनिंग, ठीक है दोस्तों। और ये चेम्बर का आमने सामने होना चाहिए। और दूसरा इधर देख सकते हैं दोस्तों ये जो एफ लिखा है इसका लाइनिंग से हमको मैच नहीं करना है, क्योंकि ये फायर का होता है। हमने ये टी जो लिखा है टी का लाइनिंग से आमने सामने करके मिलाना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो कैम शाफ्ट है, ये कैम शाफ्ट इस तरह का फ्री होना चाहिए, ये भी टॉप में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट ऊपर की तरह होना चाहिए। उसके बाद फाइनली हम जो है इसका ये प्लेट को फिट करना चाहिए दोस्तों, टाइम स्पॉकेट को। तो देख सकते हैं आपको इस तरह करके फिट करना है, बहुत ही आसान से फिट होगा दोस्तों। तो जैसे ही देख सकते हैं ये खांचा आउट है, तो हमने इसको अंदर की तरफ करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका जो टाइमिंग है पूरा बराबर में है, एक बार ऐसे दिखा दूँ, ठीक है दोस्तों। इसका टाइमिंग बिल्कुल अब मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह करके अब मिल जाने के बाद जो है दोस्तों इसमें 8 नंबर का बोल्ट होता है इस तरह का, दो वो लगा देना है। और आपको एक बार बता दूं ये मैग्नेट का जो लाइनिंग का
टी का निशान है ये बिल्कुल बराबर में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसी में पिस्टन टॉप में होता है और जैसे कि हमने बताया इधर से ऐसे करके बराबर होना चाहिए। तो अब हमारा जो है दोस्तों ये टाइमिंग फिट हो चुका है और फाइनली इसका नट को टाइट करते हैं। मैग्नेट को पकड़ के टाइट करना अच्छी तरीके से और ओवर टाइट नहीं करना क्योंकि ये आठ नंबर का बोल्ट होता है टूट सकता है। उसके बाद टाइट हो गया, नया चेन एडजस्टर जो है दोस्तों टेंशन को टाइट कर देना है, इसको भी ज़्यादा टाइट नहीं करना बस छोड़ देना है। उसके बाद नट को टाइट कर देना, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही टाइम चेंज जो हमारा परफेक्ट फिट हो चुका है। अब इस तरह करके होंडा और हीरो में सभी स्कूटियों में इसी तरह का आप टाइम चेंज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। होंडा और इस हीरो में जो जितने भी स्कूटी है सब में इसी तरह का, जैसे कि डियो, एक्टिवा, ये सब जो है मेस्ट्रो ये सब में सेम ही रहता है दोस्तों इसका फिट करने का टाइम चेंज, इस तरह फिट करके अब कर सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों ये जब क्रैंक का सील होता है इस तरह का, और इस तरह लगाना आप देख सकते हैं, ध्यान से देखना है ये बराबर फिट होना चाहिए। बराबर फिट नहीं होगा दोस्तों ये ऑयल लीक करेगा। इसको हाथ उंगली की मदद से ही फिट करना है दोस्तों, बैंड नहीं छोड़ना है, पूरा बराबर में रखना है जैसे कि ये लक्ष्य। उसके बाद दोस्तों इस तरह का इसका प्लेट होते हैं सील को रोकने के लिए, और उसके बाद दोस्तों इस तरह का दो बोल्ट होते हैं दोस्तों, ये लगा के टाइट कर देते हैं। यही अब टाइट हो चुका है। उसके बाद हमें टाइपेट को चेक करना है, देख सकते हैं दोस्तों। टाइपेट को चेक करने के लिए ये पिस्टन टॉप में होना चाहिए और इधर उधर से इसको पहले देखना है वो होना चाहिए, और ऊपर नीचे पहले दोस्तों इसका बहुत ही बारीक पहले होना चाहिए जो कि इसमें साउंड नहीं आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ऊपर नीचे भी हल्का पहले है और साइड पहले भी है, यानी कि ये टाइपेड जी हमारा सही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें इसका क्लच को फिट कर देते हैं। अब पूरा डिटेल से अगर जानना है क्लच कैसे फिट किया जाता है तो ऑलरेडी वीडियो हमने डाल चुका है, वो वाला जाके देख सकते हैं। तो अब जैसे ही देख सकते हैं इसका क्लच वाला सब ओके हो गया। अब फाइनली हमें दोस्तों ये कवर ओवर फिट करके ऐसे करके हम जो गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे, और इसका पूरा अभी फिट हो चुका है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप वीडियो देख के इस तरह फिट कर लोगे, आपको कोई अगर डाउट हो तो क्लियर हो गया होगा। और अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही बाइक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग देख के चले जाते हो, लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते दोस्तों। तो ऐसा ना करो दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहो, अच्छे से रहो, ठीक है दोस्तों।